रानीबाग थाने के अंडर में कुछ लड़कियों को रख के उनसे देह व्यापार का काम करवाया जा रहा था। सिर्फ देह व्यापार नहीं, अनैतिक रूप से इन लोगों को डांस में भेजा जाता था कुछ लड़कियों को। उनका सरगना एक लड़की है, इस रैकेट का सरगना भी है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में पटना पुलिस नित नए खुलासे कर रही है। इसी कड़ी की बात करें तो पटना के जक्कनपुर थाना इलाके के मीठापुर बस स्टैंड के पास एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा पटना पुलिस ने किया है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर ये छापेमारी की गई, जहां से बस स्टैंड के समीप एक होटल से संदिग्ध अवस्था में कई युवतियों और दो दलालों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इसके निशानदेही पर पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के सरिस्ताबाद इलाके में भी एक घर में पुलिस द्वारा दबिश दी गई। देर रात की हुई इस कार्रवाई में पटना पुलिस ने लगभग 8 युवतियों सहित दो दलालों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर इन युवतियों से देह व्यापार का कार्य कराया जा रहा था, जिसमें जबरन कार्य कराने का मामला सामने आया है। ऐसे में 8 युवतियों को इस मामले में देह व्यापार के मामले में मुक्त कराया गया है। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रही है, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। जी दरअसल हम लोगों के पास गुप्त सूचना थी कि पटना के पूर्वी सरिस्ताबाद एरिया में गर्दनीबाग थाने के अंडर में कुछ लड़कियों को रख के उनसे देह व्यापार का काम करवाया जा रहा था। सिर्फ देह व्यापार नहीं, अनैतिक रूप से इन लोगों को डांस में भेजा जाता था कुछ लड़कियों को। कुछ लड़कियों को आप उनमें से इवेंट का काम भी कराते थे, तो उसके आड़ में देह व्यापार का काम भी कराया जा रहा था। कहाँ से इन लोगों को पकड़ा गया? दो लड़कियों को पकड़ा गया है यहाँ पर एक होटल से जक्कनपुर थाने के अंडर में, और जब आगे की जब पूछताछ हुआ तो वो लोग बताया कि पूर्वी सरिस्ताबाद में और भी लड़कियों को रखा गया है एक किराए के कमरे पे, तो वहाँ से भी 6 लड़कियों को बरामद किया गया है। कुल 8 लड़कियाँ, जिनमें से एक है इसका सरगना, एक लड़की है इस रैकेट का सरगना भी है। देखिए नाम हम नहीं बोल सकते हैं अभी, ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। क्या क्या किराए के रूम से जो है वो बरामद हुआ है? और उनके साथ कुछ और भी चीज़ें बरामद हुई है, शराब की बोतलें बरामद हुई है और आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए। हाँ, कुछ और भी आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम अरिजीत अधिकारी है, मैं राज्य समन्वयक हूँ बचपन बचाओ आंदोलन बिहार से। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से पटना, राजधानी पटना की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सेक्स रैकेट का एक बड़ा भंडाफोड़ हुआ है, जहाँ पे युवतियों से जबरन सेक्स रैकेट चलाने का कार्य किया जा रहा था, जिसका खुलासा पटना पुलिस ने अब कर दिया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।